वेलकम बैक। राजधानी दिल्ली में लगातार हो रही बारिश ने एक बार फिर व्यवस्थाओं की पोल खोल कर रख दी है। खबर अरबिंदो रोड से आई, जहां मूसलाधार बारिश की वजह से 15 फीट लंबा गड्ढा हो गया, जिस वजह से डीटीसी बस में सवार दर्जनों यात्रियों और दो बाइक सवारों की जान पर बनाई। हादसा सोमवार रात 10 बजे के आसपास का बताया गया है। मूसलाधार बारिश के बाद दिल्ली की सड़कों पर व्यवस्था कैसे चौपट हुई, ये तस्वीरें उसकी गवाह है। सोमवार की रात अरविंदो रोड पर हुए इस गड्ढे में डीटीसी की ये बस फंस गई। हादसा सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं रहा, बस के ठीक पीछे आ रही एक स्कूटी और बाइक सवार भी इस विशाल काय गड्ढे में फंस गए। आलम यह हो गया कि अचानक हुए इस गड्ढे की वजह से 3 दर्जन लोगों की जिंदगी पर बनाई। कड़ी मशक्कत के बाद स्थानीय लोगों की मदद से गड्ढे में फंसी सवारियों को निकाला गया। हादसे की जानकारी जैसे ही विधायक सोमनाथ भारती को लगी, वो मौके पर पहुंच गए। सबका बचाव हो गया, किसी जान का किसी माल का नुकसान नहीं हुआ, ये बहुत बड़ी बात है। जिस प्रकार से सड़क धसी है, कुछ भी हो सकता था, एक भयावह घटना हो सकती थी जो कि परमात्मा के आशीर्वाद से ना होने से बच गया। देश की राजधानी दिल्ली में जब जब मूसलाधार बारिश हुई है, तब तब जलभराव की समस्या आम होती रही है, लेकिन इस बार यह समस्या लंबी चौड़ी गड्ढे के रूप में सामने आई है। हैरानी की बात यह है कि अरबिंदो मार्ग पर बने इस लंबे चौड़े गड्ढे की जिम्मेदारी कोई भी लेने को तैयार नहीं है। पीडब्ल्यूडी या फिर दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारी अपने आप को इस मामले में पाक साफ बता रहे हैं और आरोपों का ठीकरा गैस पाइपलाइन के लिए हो रहे निर्माण कार्य पर फोड़ रहे हैं। ये तो बहुत बड़ा हादसा बच गया है, मतलब बस डीटीसी बस पूरी की पूरी हैंग कर रही है, नीचे रोड अचानक सेटल हो गया। ये जो ट्रेंचलेस मशीन से जो केबलिंग करते हैं, उसकी वजह से हमारी सीवर लाइन कहीं ना कहीं डैमेज हो जाती है, जो कि हैवी रेनफॉल आने की वजह से सेटलमेंट हो जाता है। भले ही गड्ढे में फंसी बस स्कूटी और बाइक को निकाल लिया गया, लेकिन खतरा अभी भी बना हुआ है, क्योंकि गड्ढे के आसपास की सड़क भी धस सकती है। यही वजह है कि गड्ढे के चारों तरफ बैरिकेडिंग लगा दी गई, जबकि एक क्रेन को भी मौके पर खड़ा कर दिया गया। क्या नाम है, नीले वाले रंग की, और यहाँ बच गए लोग, हादसा कोई ऐसा नहीं हुआ। एक स्कूटी थी, एक बाइक थी, वो आपको हम वीडियो दे देंगे। लीवर की जो ट्रंक लाइन है बसंतपुर की, वो गई हुई है इसके नीचे, तो उसी के बैठने से मिट्टी बैठ गई है और उसके नीचे से धसी है सड़क। चश्मदीद बताते हैं कि डीटीसी बस ड्राइवर और स्थानीय लोगों की सूझबूझ की बदौलत एक बड़ा हादसा टल गया।